यू बाय इंडिपेंडेंस, कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। नवाब सिंह यादव कोई समाजवादी पार्टी का छुटभैया नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख रहा है और डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि रहा है। कन्नौज से समाजवादी पार्टी के नेता बताए जा रहे नवाब सिंह यादव पर नाबालिग बच्ची के साथ रेप की कोशिश का आरोप लगा है। सपा नेता पर आरोप लगने के बाद यूपी की राजनीति तेज हो गई। इस मुद्दे पर बीजेपी समाजवादी पार्टी को घेरने में जुट गई। लेकिन इसी बीच सवाल ये कि आखिर आरोपी नवाब सिंह यादव और अखिलेश यादव की पत्नी सपा सांसद डिंपल यादव की चर्चा क्यों हो रही है? डिंपल यादव से आरोपी का कनेक्शन क्या है? दरअसल कन्नौज कांड के बाद भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बड़ा बयान सामने आया। नवाब सिंह यादव कोई समाजवादी पार्टी का छुटभैया नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख रहा है और डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि रहा है। और जिस तरह के घिनौने आरोपों में रंगे हाथ पकड़ा गया है, अब समाजवादी पार्टी के पास मुंह छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं बची है। पहले अयोध्या के मोहित खान और अब कन्नौज में समाजवादी पार्टी का नवाब सिंह यादव। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है जिसमें लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, ये कहकर के पर्दा डालने का काम किया जाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ऐसे घृणित अपराध करने वालों की कठोरता से कार्रवाई होगी। उनकी जो मुकम्मल जगह है, उनको उस जगह पहुंचाने का काम योगी सरकार करेगी। दरअसल नवाब सिंह यादव उसी कन्नौज से नेता है जहां से अखिलेश यादव सांसद चुने गए थे। अब भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि आरोपी नवाब सिंह यादव डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि रह चुका है। उन्होंने कहा कि सपा लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। इसी नीति के तहत ऐसे अपराधियों पर हमेशा पर्दा डालती रही। पहले अयोध्या का मोहित खान और अब कन्नौज का नवाब यादव, यही सपा का असली चरित्र है। वही समाजवादी पार्टी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया। कन्नौज नवाब सिंह यादव मामले में सपा जिला अध्यक्ष कलीम खान ने जारी किया प्रेस नोट और कहा कि नवाब सिंह सपा का प्रारंभिक सदस्य या सक्रिय सदस्य नहीं है। पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए उसे सपा का सदस्य बताया जा रहा है। सपा की तरफ से कहा जा रहा है कि आरोपी नवाब सिंह यादव को 5 साल पहले ही पार्टी से बाहर कर दिया था। हालांकि बीजेपी नेताओं ने कुछ ऐसी हाल फिलहाल की रैलियों की तस्वीर शेयर की है जिसमें आरोपी नवाब सिंह यादव सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के मंच पर भी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कन्नौज में एक नाबालिग लड़की ने रात लगभग 1 बजे डायल 112 पर फोन पर पुलिस को जानकारी दी। उसने कहा कि उसके साथ रेप करने की कोशिश की जा रही है। आरोप लगा कि नौकरी दिलाने के बहाने से नवाब सिंह यादव दुष्कर्म की कोशिश कर रहा था। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी सपा नेता नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया। कन्नौज से समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।